कांग्रेचुलेशंस, 20 साल हो गए ऑक्टेव को, इतने सालों की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए और 20 साल जो सेलिब्रेशन आज होने वाला है उसके बारे में कुछ बताइए। थैंक यू सो मच। 20 साल देखते देखते गुजर गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यू नो, हमने शुरुआत की थी 2003 में इवेंट मैनेजमेंट एंड आर्टिस्ट मैनेजमेंट, और पहले छोटे पैमाने से शुरू किया था, लेकिन अभी हमने मोर देन 500 शोज वर्ल्ड वाइड किया है। और आर्टिस्ट मैनेजमेंट करीबन मैंने मोर देन 50 आर्टिस्ट को मैनेज किया है, ऑल टॉप बॉलीवुड सेलिब्रिटी लाइक इरफान खान, लेट इरफान खान जी, विशालन शेखर, और एज ऑफ नाउ आई एम मैनेजिंग गोविंदा जी, अलका याग्निक, कुमार शानू, जतिन ललित, नीरज श्रीधर, भूमि त्रिवेदी, डीजे अकेले, मैनी मोर, बहुत काफ़ी लोग के साथ जुड़े हुए हैं हम लोग। और आप सबको बता दूं कि मेरी वाइफ जो है इसकी प्रोप्राइटर है मेरे कंपनी की, और मेरा बेटा भी है, मेरा बेटा है, और ये भी, इसका भी डेब्यू हम लोग करने वाले हैं अभी थोड़े दिन में। जैसे आपने कहा कि मैम भी आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, तो इस सपोर्ट के बारे में बताइए कि फैमिली का सपोर्ट इस जर्नी में कितना इम्पोर्टेंट है। फैमिली का सपोर्ट तो बहुत, मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ कि मैं बहुत गरीबी से उठ के आया हूँ। जैसे मैं पटना शहर से बॉम्बे आया था 1990 में, उसके बाद 10-12 साल जो संघर्ष मेरा बहुत ज़्यादा रहा है, फिर मेरी शादी हुई और वहाँ से हमारी जर्नी, मेरा लक बहुत फेवर किया, और बेटे के होने के बाद और लक ज़्यादा फेवर किया। और बोलते हैं ना, वाइफ और बच्चे का जब लक आता है और घर का एक अच्छा माहौल होता है, तो क्रिएटिवली आदमी और ज़्यादा काम करता है और आगे बढ़ता है। तो वो सपोर्ट ऑब्वियसली पत्नी के बिना हो नहीं सकता है और बच्चे के बिना, तो दोनों का बहुत सपोर्ट है इसमें। ऑक्टेव को 20 साल हो गए, अब जो है नया वेंचर आप शुरू करने जा रहे हैं ऑक्टेव म्यूजिक का, उसके बारे में कुछ बताइए। ऑक्टेव म्यूजिक, हाँ जी, और ऑक्टेव म्यूजिक जो है ऑलरेडी रिलीज हो चुका था, उसका एक पहला गाना हमने 1.5-2 महीना पहले किया था, उसका एक मोरनी करके सॉन्ग आया था, नीरज श्रीधर भूमि त्रिवेदी के ऊपर था वो गाना, और कंपोज नीरज श्रीधर ने किया था। और अभी दूसरा रब्बा रब्बा गाना आ रहा है, जिसमें ऑब्वियसली जो ऑक्टेव म्यूजिक की प्रोपराइटर मेरी वाइफ और मैं हैं, नीरज मिश्रा, शिखा मिश्रा प्रेजेंट आ रहा है। चूँकि मैं वाइफ को हमेशा इसलिए लगता हूँ कि मेरे लिए बहुत लकी है, लकी चाम है, तो मुझे हमेशा ऐसा सपोर्ट लगता है कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ। तो ये गाना भी रब्बा रब्बा बहुत ही मेलेडियस सॉन्ग है, और विवियन ने गाया है, विवियन रिचर्ड, जो कि अच्छी बड़ी फिल्में कर रहे हैं एज ए सिंगर एंड एज ए कंपोजर आल्सो। और इसमें आलमा और सिद्धार्थ मॉडल हैं, आलमा ऑलरेडी काफ़ी एड्स में दिखती है, और सिद्धार्थ नया लड़का है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत गाना है। अभी आज ही रिलीज़ कर रहे हैं हम लोग उस गाने को, बस आप लोग का लव और प्यार चाहिए। मैम, आपसे लास्टली जानना चाहूँगा कि आपके लिए जर्नी कितनी इम्पोर्टेंट थी, जैसे सर ने कहा आप लकी चाम भी हैं उनके लिए, तो आपके लिए उनके साथ की ये जर्नी कितनी इम्पोर्टेंट थी? बहुत ही अच्छा रहा नीरज का और मेरा साथ, आज ये कंपनी नीरज के मेहनत और इनका अथक परिश्रम से ही ये चीज़ संभव हुआ है, और हम दोनों साथ मिलके ही हमेशा से आगे बढ़े हैं, तो अच्छा रहा है हम दोनों का साथ। और कंपनी बहुत इम्पोर्टेंट थी, कंपनी जो थी वो हमने छोटे से पैमाने से शुरू किया था, लेकिन आज इतने सेलिब्रिटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इतने लोगों के साथ काम करना अच्छा लग रहा है, और देश विदेश में जितना नीरज ने अपने मेहनत से अपना मुकाम हासिल किया है वो बहुत ही अच्छा रहा है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। अनिल दिवाकर मेरे पार्टनर हैं, पार्टनर से ज़्यादा मेरे छोटे भाई हैं, यू नो, हमारा इनका एसोसिएशन 20-22 साल पुराना है। मैं भी लॉलीपॉप जी के साथ अपनी करियर शुरुआत की थी एज ए डांसर और असिस्टेंट, और ये गणेश हेगड़े के साथ थे और लॉली जी के साथ भी थे, तो ये भी डांस करते थे, मैं भी डांस करता था, मतलब अभी भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। लेकिन अनिल और हमने कंपनी शुरू की, और हमने इसके पहले अमेरिका में भूमि त्रिवेदी का डांडिया किया था एज ए नेशनल प्रमोटर, 5-6 सिटी टूर हुआ था, बहुत ही अच्छा हुआ था, और अमेरिका से ही हमने डिसाइड किया कि हमको कंपनी स्टैब्लिश करनी है और वर्ल्ड वाइड इसको लेके जाना है, DPA इवेंट्स एंड ऑक्टिव एंटरटेनमेंट दोनों को। और हम लोग, हमारा जो नया वेंचर है जो है वेडिंग प्लानिंग प्रोडक्शन, जो ऑलरेडी अनिल ऑलरेडी वेडिंग प्लानर का काम करते हैं US में और वर्ल्ड वाइड, और प्रोडक्शन करते हैं, तो अब हम लोग जुड़ के कर रहे हैं, और लाइन प्रोड्यूसर, बाकी अनिल बोलेंगे आपसे।
अनिल जी आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले ऑक्टेव एंटरटेनमेंट के साथ आपके कोलैबोरेशन के बारे में बताइए और डीपीए के बारे में अगर थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को। सो एज नीरज एक्सप्लेन, वी आर वेरी गुड फ्रेंड लास्ट फ्रॉम 22 ईयर्स, 22 साल से हम लोग अच्छे दोस्त हैं। लकीली 3 ईयर्स बैक, बिकॉज माई कंपनी मैनेज ऑल द बॉलीवुड शोज इन अमेरिका, तो 3 साल पहले थ्रो बैक कुमार शानू, अलका याग्निक एंड उदित नारायण, माई कंपनी वॉज मैनेजिंग दैट शो एंड वी मेट अगेन। तो वहाँ से हमारा एक रीबिल्ड और ये रीयूनियन स्टार्ट हुआ है एंड उसके बाद हमने 2-3 शोज और किए एंड आई बिलीव हमारा जो केमिस्ट्री है एज ए ब्रदर, क्योंकि क्या होता है कि इन प्रोफेशनल वर्ल्ड इट्स नॉट दैट ईजी टू डू पार्टनरशिप, इट्स नॉट दैट ईजी, बट हमारा एक कहते हैं ना भाईचारा ऐसा है कि जो कुछ बोलते हैं मैंने कहा ठीक है भाई ओके, हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है कि आई एम फ्रॉम US, इज फ्रॉम इंडिया, बट वी हैव वेरी गुड कनेक्शन। सो नाउ वी कम अप विद द आइडिया विच इज़ इन US एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी गोना मैनेज ऑल द शोज फ्रॉम बॉलीवुड, जो भी यहाँ से टूर जाते हैं वी गोना हैंडल विद द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग, सो दिस इज़ वॉट वी आर प्लानिंग इन फ्यूचर। एंड ऑक्टिव को 20 ईयर्स हो गया, तो वी कैन सी दैट नेक्स्ट सक्सेस विद सर विल सेलिब्रेट। सो आई थिंक जैसे भाभी जी ने बोला, मैंने तो देखा हुआ है यू नो, एंड बॉम्बे में बहुत लोग आते हैं राइट, बट सक्सेसफुल बहुत कम लोग होते हैं। अगर आप सक्सेस की बात करें तो यू हैव रियली ग्रेट आंसर्स, बहुत अच्छा आंसर है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है हाउ मच वी डिड हार्ड वर्क, इट्स नॉट अबाउट द फूड, इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट ओनली द वर्क, वी डिड हार्ड वर्क, दैट्स वाई ही इज रनिंग हिज कंपनी इन इंडिया एंड आई एम रनिंग माई कंपनी इन US, ओनली वन थिंग हार्ड वर्क, लक तो है ही आपका, बट अगर हार्ड वर्क नहीं है आई डोंट थिंक सो लक इज गोना बी वर्क। सो ये हम लोग इसको वर्ल्ड वाइड लेके जा रहे हैं, जैसे वेडिंग प्लानिंग है तो वर्ल्ड वाइड हम इसको कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी अभी हमारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का टूर हो रहा है अभी अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया में, तो प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक्स हम लोग भी इसका कर रहे हैं, आर्टिस्ट मैनेजमेंट हम नहीं किया हुआ उसका। तो ऐसे US में भी बहुत सारे शो जा रहे हैं, संजय दत्त के शो जा रहे हैं, टूर जा रहे हैं, उसका प्रोडक्शन भी हमारी कंपनी मतलब हमारी और अनिल की कंपनी कर रही है, तो एक जॉइंट वेंचर हमने शुरुआत की है। और सबसे बड़ा क्या है कि जब दो लोगों का दिल मिल जाता है ना तो वो काम करने में मज़ा आता है। अगर अनिल ने कुछ बोल दिया तो उनका डिसीजन का हम रिस्पेक्ट करते हैं, या मैंने बोल दिया तो मेरे डिसीजन का ये रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो हमेशा रहता है। आई बिलीव द सिंपल थिंग इज दैट टुडे इज द डेस्टिनेशन वेडिंग, आई होप यू ऑल नो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, इज अ $40 billion इंडस्ट्री डेस्टिनेशन वेडिंग, एंड इंडिया लॉट ऑफ पीपल हैव लॉट ऑफ मनी एंड दे वॉन्ट्स टू डू लॉट ऑफ वेडिंग्स इन आउटसाइड ऑफ द कंट्री, बट दे डोंट हैव इनफ सोर्स। Since my company is running in US and we do a lot of destination wedding, it's a good source for them to find all the vendors and they can create what they are looking. So that's our plan. He will get all the contract from India and I will manage in US. Yeah. This is what we and in US se agar India mein koi wedding ho rahi hai to wo hum log yahan ki team manage karegi. It's a teamwork. Ye teamwork hota hai. Jo bhi hum karte hain teamwork hi hota hai is cheez ka. To bas aap log ki blessing chahiye aur pyar chahiye. Bas hum log mehnat karenge. बीस साल कंप्लीट हुए हैं भैया जी। जी नीरज जी इतने प्यारे मित्र हैं, 17 साल पहले हम मुंबई आए थे तब इनको 3 साल हो चुके थे, अब 17 साल में इतने अच्छे मधुर संबंध हैं, बहुत सारे शोज किए, और ऐसा कौन सा सिंगर है हिंदुस्तान का जो इनके साथ विदेश ना गया हो या इस देश में शो ना किया हो, तो उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और नया काम शुरू कर रहे हैं, अब म्यूज़िक लॉन्चिंग शुरू होगी, बहुत सारे काम बढ़ेंगे, बहुत सारों को काम मिलेगा, इसके लिए इस कंपनी को मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन एक बात दिल से कहता हूँ, नीरज जी की टीम जहाँ भी जाती है, सोनू निगम जी जाएं, साधना सरगम जी जाएं, कुमार शानू जी जाएं, मगर जहां भी जाते हैं हिंदुस्तान का झंडा गाड़ के आते हैं, और इन सब की तरफ से मैं 4 लाइन सुना देता हूं, अच्छे बुरे का ज्ञान रखते हैं हम अपने अतिथि का ध्यान रखते हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान रखते हैं हम अपने अतिथि का ध्यान रखते हैं, और दुनिया में कहीं रहें दिल में अपने हिंदुस्तान रखते हैं। तो इस देश का सर ऊंचा करते हैं, इस देश के कलाकारों को विदेश में जाके एंटरटेन लोग करते हैं, उन सबको बधाई, और इनके हर प्रोजेक्ट के लिए दिल अच्छा हो, नियत अच्छी हो तो बरकत होती है। और आप सब इतनी संख्या में आए हैं,
तो आप सबकी दुआएं भी मिलेंगी, मेरी दुआएं इनके साथ है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर और किसी सब्जेक्ट पे फिर किसी और मौके पे बात करेंगे, क्योंकि अभी बात करने वाले बहुत लोग आ रहे हैं। मेरी बात बाद में एडिट कर दोगे, उससे अच्छा मैं ही अपने आप को ब्रेक कर लेता हूँ। थैंक यू। हाय एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर ऑक्टेव म्यूजिक सेकंड सॉन्ग रबा रबा। दिस इज रबा रबाज टीम, सिंगर कंपोजर विवियन रिचर्ड, आलमा, सिद्धार्थ, सुशांत डायरेक्टर हैं हमारे, बहुत ही खूबसूरत डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं। इनका दूसरा हमारी कंपनी का सेकंड सॉन्ग है इनका, और मेरी वाइफ और मैं हमने प्रोड्यूस किया इस गाने को, और रेस्ट यू कैन आस्क ऑल द टीम क्वेश्चन। ओके, सो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि कैसा मतलब क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी है, और सर की तरफ से क्या ब्रीफ मिला है सॉन्ग को लेके, अगर सॉन्ग अपने आप में इतना टची था, सुन के ही वो फील आ गई। उसके बाद डायरेक्टर सर हैं ही हमारे, इन्होंने हमें बहुत अच्छे से ब्रीफ किया, काफ़ी मज़ा आया। म्यूजिक वीडियो के बारे में किस तरह का होने वाला है, क्या कुछ थीम होगा गान? बेसिकली दिस सॉन्ग इज ऑल अबाउट अ लाइफ लेसन मे बी, कि कभी कभार कुछ चीज़ें ऊंच नीच हो जाती है, बट इट डजंट मीन यू गिव अप और समथिंग लाइक दैट। इट इज़ अ वेरी टची सॉन्ग इट सेल्फ, आपको ऐसे लिरिक्स सुनने मिलेंगे जो इतने प्यारे हैं, सुन के ऐसा लगता है कि वाओ इट्स सो सूदिंग टू द इयर्स। एंड द सॉन्ग इज ऑल्सो मेड अकॉर्डिंग टू द लिरिक्स, कि क्या होना चाहिए आगे, क्या करना चाहिए, लड़की को क्या करना चाहिए, लड़के को क्या करना चाहिए। सो यू शुड वॉच द वीडियो टू अंडरस्टैंड। अच्छा मैसेज है उसमें कि कुछ भी हो सुसाइड नहीं करना चाहिए। और बहुत ही खूबसूरत गाना है। जब विवियन ने मुझे पहला मुखड़ा उसका भेजा था, तब मैं बोला था भाई ये गाने को डेवलप करो और बनाओ। विवियन आप गाने के बारे में आप कुछ बोलिए, कैसे कंपोजिशन किया आपने, कैसे गाया आपने? माय फर्स्ट थॉट विद रबर रबर वाज वेरी, जो इस गाने की इमोशन है बहुत यूनिवर्सल इमोशन है, या फिर हर एक इंसान उस इमोशन से रिलेट कर सकता है। ये इमोशन ऐसा है कि जब आप जिस इंसान से सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, जब वो इंसान आपसे बहुत टाइम तक गुस्सा रहता है, आपसे नाराज़ रहता हो, उस वक्त आपके अंदर क्या फीलिंग्स, आप किन फीलिंग्स से गुजरते हो, रबर रबर इज ऑल अबाउट दैट। द लिरिक्स काइंड ऑफ पोर्ट्रेट दैट सेम इमोशन। तो मेरी टीम, आई थिंक आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू वर्क द मोस्ट अमेजिंग टीम आउट देयर, लाइक फ्रॉम माय एक्टर टू माय डायरेक्टर, इन्होंने जो मेरे गाने को एक पूरी जान डाली, और जो लिरिक्स थे, जो मेरी आवाज़ थी, उन्होंने अपने किरदार से पूरा चार्टर बना दिया। सो वंस यू सी द वीडियो आई थिंक यू विल एग्जैक्टली रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग। एंड अनदर थिंग, सुशांत इज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, और जब मैं पूछता हूँ कि भाई ये क्या बन रहा है, मुझे तो बोलते सर आप बाद में देखना जब बन जाएगा। तो जब मैंने देखा तो हम लोग यार कमाल है यार, ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने जो स्टोरी बोर्ड डाला है, स्टोरी लाइंस डाला है, वो बहुत ही खूबसूरत है। आप सुशांत आप बताइए, आपने कैसे इसको विजुअलाइज किया और कैसे इसको? सो व्हेन द सॉन्ग केम टू मी, आई हैव वर्क्ड विद सर बिफोर आल्सो ऑन अ म्यूजिक वीडियो, एंड दैट वाज quite a hit number. Morbi was our first song together, it was a party number. So this time we thought we'll do something different, so this romantic track came, and Vivin composed a really nice track, and so we started working on the story. It took us a couple of weeks to come up with the story, and then once that was locked, we went on and shot it. And I think once you all see it, you all will really like it, because it's a very heart touching, it's a very heartfelt. We have made it with pure emotions, we have made it with pure intentions. I feel whoever watches it will feel the same way about the video. So yeah, I think you should all watch it, you know what it is all about. So I'm going to tell you, this is Alma, our this is second album. Yeah. Yes. So Alma ko humne god le liya hai apni company mein. कुछ सोचा है अभी, चलिए आप लोग को ब्लेसिंग चाहिए इस गाने के लिए। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अभी गाना आज ही रिलीज हो रहा है रब्बा रब्बा, or I know it's going to rock. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. 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 Thank you.
ऑफ कोर्स पहले तो कांग्रेचुलेशंस के पहले कहूंगा थैंक यू, क्योंकि 20 साल से जो यू नो म्यूजिक वर्ल्ड में इतना उन्होंने काम किया है एंड हम सब कहीं ना कहीं म्यूजिक से कनेक्टेड है, और जिस तरह का म्यूजिक ये बनाते हैं आई थिंक हमारे सबके अंदर वही म्यूजिक बसता है, तो सबसे पहले तो थैंक्स है एंड ऑफ कोर्स कांग्रेचुलेशंस टू देम। क्योंकि आप बॉलीवुड इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, बहुत सारी चीजें इस समय चल रही है बॉलीवुड में, पठान को बॉयकॉट किया जा रहा है, एक टीवी एक्ट्रेस ने सुसाइड कर लिया, तो एज अ जर्नलिस्ट और एज अ इंडस्ट्री का पार्ट क्या कहना चाहेंगे ये सब जो चीजें एक साथ चल रही है बॉलीवुड इंडस्ट्री में? आई फील कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा वापस जा रहे हैं, रिग्रेसिव टाइम्स में जा रहे हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले भी 80s का टाइम की बात की थी, 70s में अगर आप फिल्में देखेंगे या 90s की फिल्में देखेंगे, आज वो फिल्में बनी नहीं सकती। इनफैक्ट कुछ दिनों के बाद रंग दे बसंती की रिलीज एनिवर्सरी एंड वी वर जस्ट टॉकिंग बिटवीन फ्रेंड्स कि क्या ये फिल्म आज रिलीज हो सकती है, नहीं हो सकती। आई थिंक 60% ऑफ द सीन्स विल बी कट, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ कंफ्यूजिंग टाइम्स है, पीपल आर गेटिंग ऑफेंडेड, बट कहीं ना कहीं लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे, तो आई थिंक सब चीज़ों को ध्यान में तो रखना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। नीरज भाई की जो जैसे जैसे तरक्की हो रही है, जितने भी कलाकार हम सब इतने खुश है, क्योंकि नीरज भाई एकदम जीरो से आए हैं। आप सभी जानते हैं नीरज भाई ने कितनी मेहनत की है, एक मतलब बिहार से आकर एक पहले कोरियोग्राफर थे वो, उसके बाद कई आर्टिस्ट के साथ उन्होंने काम किया, एक एक स्टेप बढ़ते 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 आज इस मुकाम पर आया, तो ऐसा लगता है कि ये उनकी तरक्की नहीं मेरी तरक्की है। नीरज भाई लव यू, कसम से मैं चाहता हूँ कि आप और तरक्की करो, आपके साथ में हम सब कलाकारों की भी तरक्की होगी। वानी आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं होंगी? सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस नीरज सर को, मैंने हमेशा से डैड से बहुत सारी उनकी स्ट्रगलिंग स्टोरीज सुनी है, कैसे डैड और वो साथ में उन्होंने शुरुआत की थी अपने करियर की, एंड इट फील्स गुड कि जितने भी हम जान पहचान के लोग हैं उनका जब ग्रोथ हम जब देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ मैं, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू, आई लुक अप टू हिम। थैंक यू, थैंक यू। डोर बंद करो भाई। पहली बात तो मैं ये पता नहीं कौन लोग हैं जो बायकॉट करने की बात करते हैं, ये जो लोग भी भाई कान खोल के सुन लो, आपके लिए सिर्फ ये शब्द होता है बायकॉट, लेकिन आपको पता नहीं कितने लोगों का घर चल रहा है, मेकअप वाला, फूड वाला, हेयर स्टाइल, मतलब पूरी दुनिया। अगर ये फिल्में जब बनती है, फिल्में बनने के बाद थिएटर में ले जाए, थिएटर में भी कई लोगों का घर चलता है, तो ये जो लोग कर रहे हैं ना, इनको सिर्फ मोबाइल पे टक करना आता है। भाई साहब आप लोग सोचिएगा कि अगर कोई भी एक्टर अगर बायकॉट करते हो आप, तो कईयों को बेरोजगार भी कर रहे हो आप लोग, तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि किसी भी फिल्म को, किसी भी एक्टर को आप लोग बायकॉट मत कीजिए, उनके जरिए कई लोगों का घर चल रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद। Okay. Yeah, and first of all, I want to congratulate this beautiful event company, and I want to congratulate them that after the long pandemic time, they still survived and they are doing something new. They are launching new venues, also not venues, new activities in the company. So I want to say all the best. And about the Shah Rukh, yes, I worked in a Pathaan, very small character, but I want to tell about him as a person, because I had very close work with him in the film Zero, and I found him very hardworking, very dedicated, an amazing person, and he's really, really love whatever he does, he loves his work, and he loves his art. And I love him, and all as a being a Russian, I want to say that all Russia love Shah Rukh, I guess. So I will watch Pathaan, definitely. I will watch it, and even though today it has some controversy, still art will be always exist, and it will be always out of politics and out of all this conversation around the art. Please watch the Pathaan. थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी ओवर हेयर, और मैं ओम ओम
ऑक्टेव म्यूजिक को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी कि उन्होंने 20 साल पूरे किए और हमें इतना अच्छा म्यूजिक दिया, और आगे भी कुछ अच्छा म्यूजिक की हम उम्मीद करते हैं। अगर कुछ 90s का वापस जमाना आ जाए तो मज़ा ही आ जाए। सो ये बहुत अच्छी बात है, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। या माई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आर आई हैव डन टू मूवीज विच इज़ ऑन पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, एंड मैंने कुछ टीवी सीरियल्स में भी काम किया हुआ है। एंड माई प्रोफेशन इज़ आई एम अ इंटरनेशनल योगा ट्रेनर वर्किंग विद फ्यू सेलिब्रिटीज़ राइट नाउ, एंड थैंक यू सो मच मीडिया, थैंक यू। बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि रियली प्राउड ऑफ हिम, उन्होंने आज 20 साल कंप्लीट किया, और आने वाले दिनों में भी मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत आगे बढ़े, और वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ हिम, एंड माय ऑल हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू नीरज जी एंड ऑल हिज टीम। थैंक यू। ऑक्टेव एंटरटेनमेंट और नीरज मिश्रा और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। 20 साल से इवेंट्स में थे, अब OTT प्लेटफॉर्म, म्यूज़िक कंपनी, बहुत कुछ कर रहे हैं, और आज और एक नया कदम है। तो और मैं तो समझता हूँ मेरी अपनी टीम है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, और मुझे लगता है हम साथ मिलके बहुत कुछ करेंगे। मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, अमित जी जब तक शूटिंग करेंगे तब तक मेरे प्रोजेक्ट्स चालू रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एंटरटेनमेंट को 20 साल हो गए, नया म्यूजिक भी लॉन्च कर रहे हैं आज, और एक नया कोलैबोरेशन भी हो रहा है के साथ, क्या शुभकामनाएं होंगी आपके? किसी भी कंटेंट को आई थिंक अगर अच्छी अच्छी ऑडियंस मिल जाए, अच्छे क्रिएटर्स हों, तो ज़रूर वो चलता है। और बहुत बहुत बधाई एंड ऑल माई बेस्ट विशेज, और ऐसे ही अच्छा काम करते रहें और हमें अच्छा अच्छा कॉन्टेंट दें। अपकमिंग राजा मौली जी की एक फिल्म थी छत्रपति, जिसमें प्रभास थे, 2005 में फिल्म आई थी तेलुगु सिनेमा में, उसका हिंदी रीमेक हो रहा है, उसमें नुसरत भरूचा हैं, शरद केलकर हैं, जॉनी लीवर हैं, उसमें मैं मुख्य नेगेटिव भूमिका में हूँ, और वो जल्द ही पेन मूवीज रिलीज करेगा। थैंक यू। मुझे जो पता है उसके हिसाब से मैं अपनी बेस्ट विशेज करने वाली हूँ। हाई, मैं हूँ जानवी श्रीमानकर, एंड आई एम हियर टू कन्वे माई बेस्ट विशेज टू नीरज मिश्रा जी फ्रॉम ऑक्टेव म्यूजिक एंड DPA इवेंट्स फॉर मर्जिंग देयर जॉब्स टुगेदर, एंड यू नो होपफुली इट विल बी अ ग्रेट मर्जर, बिकॉज यू नो जब दो फोर्सेस साथ में आते हैं तो डेफिनेटली काम बहुत बढ़िया होता है, एंड आई विश देम ऑल द लक, एंड ऑफकोर्स विशिंग देम लक फॉर रब्बा रब्बा ऑल्सो विच इज़ अबाउट टू रिलीज टुडे। Thank you. They have done a fantastic job in the last 20 years, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला, और I just look forward to what they are coming up with in the future, and yeah, thank you very much. Octave Entertainment को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीरज मिश्रा जी ने जब मेरे साथ काम शुरू किया था as a manager, उस वक्त वो और कुछ काम नहीं करते थे, उन्होंने एज अ सबसे पहला काम जो शुरू किया वो मेरे साथ शुरू किया, और उनकी इतना एंटरप्राइजिंग है और इतने एम्बिशियस हैं और इतने मेहनती हैं कि आज वो उन्होंने अपनी कंपनी बनाई ऑक्टेव एंटरटेनमेंट, उसमें फिर ऑक्टेव म्यूज़िक बनाया, और अब धीरे 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 बहुत उन्नति करी है, तो ये दिखाता है कि उनमें कितनी शक्ति है और कितने मेहनती हैं, और अपनी मेहनत से अपने दम पर उन्होंने ये कंपनी शुरू की, और बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको, और आशा करती हूँ वो हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे और अच्छा अच्छा काम करेंगे। आने वाले म्यूजिक वीडियोस में क्या आप लोगों का कोई कोलैबोरेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ ज़रूर, अगर कुछ किसी उसमें मेरी ज़रूरत है तो मैं तो हूँ ही, क्योंकि मैं उनकी कंपनी का हिस्सा हूँ, बल्कि उनके कंपनी का सबसे पहला सदस्य हूँ, तो डेफिनेटली कुछ होगा तो मैं बिल्कुल करूँगी, क्यों नहीं। जी बिल्कुल, ऑक्टेव एंटरटेनमेंट को सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड नीरज जी इज़ बिन लाइक फैमिली, एंड वेरी हैप्पी टू बी हियर, एंड थैंक्स फॉर बीइंग हियर ऑल ऑफ यू ऑल फॉर सपोर्टिंग द 20 इयर्स, and congratulations to the team for doing such a wonderful job.
जी हाँ, काफ़ी सारे हैं. अभी इंडिपेंडेंट एल्बम पे काम चल रहा है, फिल्मों पे काम चल रहा है. सो यू विल हियर सम अमेजिंग सॉन्ग्स वेरी वेरी सून एंड यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. थैंक यू. मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ नीरज मिश्रा जी को और ऑक्टेव एंटरटेनमेंट की सारी फैमिली को, एंड आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है. आज हमने 20 साल पूरा कर लिया है. तो अभी जो रिसेंट आया था वो जुग जुग जियो में मैंने गाया था तुम जो गए, और अभी काफ़ी प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं जो कि इस ईयर आने वाले हैं. तो होपिंग फॉर द बेस्ट. हाँ डेफिनेटली, शोज तो हम कर ही रहे हैं और करने ही वाले हैं, और सर ने अपना म्यूजिक लेबल भी लॉन्च किया है. तो डेफिनेटली करेंगे साथ में काम. थैंक यू. थैंक यू. 20 साल कंप्लीट कर लिए सर, क्या शुभकामनाएं होंगी आपकी तरफ से? नीरज जी एंड ऑक्टेव एंटरटेनमेंट जो 20 साल कंप्लीट किए हैं उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बिकॉज हम भी जुड़े हैं ऑक्टेव एंटरटेनमेंट से और कंपनी इतनी बढ़िया है और नीरज जी सच अ गुड पर्सन एंड सो एंटरप्राइजिंग कि ये बोलने में मुझे बिल्कुल, आई वांट टू टेल दिस कि जितने आर्टिस्ट ऑक्टेव से जुड़े हुए हैं दे ऑल डूइंग वेरी वेल एंड नीरज जी इज़ अ वेरी वेरी एंटरप्राइजिंग पर्सन टू वर्क विथ. सो आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू नीरज मिश्रा जी एंड ऑक्टेव एंटरटेनमेंट. थैंक यू. नया म्यूजिक वीडियो भी आया है और जो है DPA के साथ उनका नया कोलैबोरेशन भी होने वाला है एंटरटेनमेंट इवेंट्स. नीरज जी को पहले सबसे बहुत 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 सारी बधाई, और हर एक साल नए नए वेंचर्स के साथ नीरज जी हमेशा होपफुल रहते हैं, और जितने भी आर्टिस्ट हैं मैं उनके साथ इतने सालों से जुड़ी हुई हूँ, और जब से मेरा करियर शुरू हुआ है उसके कुछ सालों बाद, आई थिंक 3 या 4 साल बाद हम 2014 से हम जुड़े हैं, और काफ़ी रेयर ऐसा होता है कि एक आर्टिस्ट एक मैनेजमेंट टीम के साथ रहता है, और दिस हैज़ हैपेंड विद बोथ ऑफ अस. एंड मैं आई रियली वॉन्ट टू थैंक नीरज जी फॉर वॉट ही हैज़ डन फॉर ऑल हिज आर्टिस्ट, एंड हमेशा उन्होंने भी साथ साथ में ग्रो किया. ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ आर्टिस्ट को ग्रो करवाया है, बट साइड बाई साइड हम लोग दोनों एक साथ आर्टिस्ट और मैनेजमेंट कंपनी एज इंडिविजुअल्स हम ग्रो कर रहे हैं. एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आज नीरज जी के इस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को, ऑक्टेव एंटरटेनमेंट को 20 साल पूरे हो रहे हैं, एंड DPA इवेंट्स के साथ उनका एक जो नया वेंचर है वो शुरू हो रहा है. एंड ऑक्टेव एंटरटेनमेंट, ऑक्टेव म्यूज़िक जो है उस चैनल पे सबसे पहला गाना नीरज श्रीधर जी और मेरा जो हमने रिलीज़ किया कुछ महीनों पहले, दैट वाज रियली अमेजिंग. और आज और एक गाना लॉन्च होने जा रहा है, दैट्स कॉल्ड रब्बा रब्बा. और मैं बस सभी को बधाई देना चाहती हूँ, और 20 नहीं 200 साल तक आगे इस लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए बहुत सारे लोग जुड़े हैं, और अमेजिंग आर्टिस्ट हैं यहाँ पर, यू नो, सारे जो जुड़े हुए हैं. सो आई रियली वांट टू थैंक एंड कंग्रेचुलेट नीरज जी एंड हिज टीम एंड इवन माई सेल्फ बींग अ पार्ट ऑफ ऑक्टेव एंटरटेनमेंट. थैंक यू. 20 ईयर्स कंप्लीट हो गया, नया म्यूजिक क्या कहना चाहिए? मैं बहुत खुश हूँ, ऑक्टेव का 20 साल हो गए हैं, मुझे बहुत प्राउड की बात है कि जब नीरज बॉम्बे आया था तो मेरे पास ही उतरा पहले, और मेरे हाथ का बच्चा आज इतना अच्छा कर रहा है. आई एम सो ब्लेस्ड कि मैंने, मतलब उससे देखते देखते इतना अच्छा काम करने लगा है वो, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट और साल चले और प्रगति करे और सक्सेस ले. एंड नीरज इज़ अ वेरी हार्ड वर्कर, तो मैं चाहता हूँ और मैं नीरज के साथ हमेशा हूँ साथ में. गॉड ब्लेस यू. मुझे और सुनता की ओर से तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नीरज के साथ वर्षानुवर्ष हो गए, बहुत हम लोग काम कर चुके हैं, बहुत कामयाब रहे हैं, बहुत बा अदब, बहुत ही तमीज़ में, बहुत शरीफ और घर परिवार की तरह. कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं
किसी ऐसे कार्यक्रम में कहीं जा रहे हैं हम लोग कि जहाँ पे वो पैसे का और वो बस वही है, ऐसा ऐसा कभी लगा नहीं। ही इज़ अ वेरी गुड गाय, बिकॉज ब्लेसिंग एंड ऑल द बेस्ट। और एक म्यूजिक कंपनी भी उन्होंने आज लॉन्च की है, क्या कोई प्लान होने वाला है कि कोलैबोरेट करें आपके साथ? मैं पूछा नहीं अभी, परंतु मुझे ये पता है कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत तमीज़ से और सोचने के बाद करते हैं। जैसे आज तारीख में ये यहाँ पे ये इवेंट रख दिया, ये बहुत मतलब अच्छे लोग जो तमीज़ में रहा करते हैं उसमें ये है। और मैं बहुत शुभेच्छा प्रदान करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जैसे वर्षानुवर्ष हम काम करते आए वैसे करते रहे। आप लोग की दुआएं और साथ चाहिए, वो सदैव रहा है और ऐसे ही रहा करे। ईश्वर से यही प्रार्थना है। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल, मे गॉड ब्लेस, थैंक्स।